अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम जान और आप देख रहे हैं मनी ग्लोबल टीवी। खबर शामिल करते हैं अरहवाला से। हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद शफीक पुल की रिपोर्ट के मुताबिक अरहवाला का ये गरीब मजबूर और मुस्तहिक घराना बच्चों के इलाज के लिए बेबस हो गया है। घर की सारी जमा पूंजी बीमार बच्चों पर लगा दी है। ये गरीब घर किसी मसीहा का मुंतजर, हुकूमत से भी इमदाद की अपील कर दी। बीमार बच्चों की वफालत करने वाले अरहवाला के नवाही गाँव ठेकवा शरीफ के वालदेन की दर्द भरी दास्तान। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। इसके दो नौजवान बेटे मजदूर हैं जिनका वो इलाज करवा रहा है। तीन बच्चे जी मेरे, तिने पढ़ते सी बिल्कुल ठीक ठाक सी, स्कूल जाते सी। तिने बीमार हो गए, कोई ऐसी बीमारी लगी है कि ठीक नहीं है, एक तो बहुत हो गया, दो हालत अगर मौके पर मौजूद पाए। मकबूल ने बताया कि उसके तीन बेटे 9 से 10 साल की उम्र तक बिल्कुल तंदुरुस्त थे और स्कूल भी पढ़ते थे, लेकिन फिर वो तीनों बेटे उस्मान, कुर्बान और इकराम बीमार हो गए, जिनमें से एक बेटा उस्मान 5 माह कबल इंतकाल कर गया। मकबूल ने बताया कि दोनों बेटे 4 पाई पर पड़े हैं, वो चल फिर और बात नहीं कर सकते। 17 साला इकराम और 24 साला कुर्बान का लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज भी करवा चुका हूँ। इन्हों का इलाज करवाया है, बहुत ज़्यादा करवाया है, जितने किसी ने दसा उत्थे बजे हैं। हूँ थक हारते बह गए, हूँ इतनी गुंजाइश नहीं है कि इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, साढ़े को हिम्मत नहीं है। गवर्नमेंट अगर अपील है, मेहरबानी हो जाए। मकबूल की बीवी बच्चों के साथ उसकी बूढ़ी सास भी रिहाइश पजीर है। वो किराए के घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। महंगाई के इस दौर में बीमार बच्चों का इलाज और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है। वो अपने बच्चों के इलाज के लिए अल्लाह ताला की रहमत से पुरउम्मीद है। मकबूल की बीवी का कहना है, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मेरे को, डॉक्टर पैसे मांगते हैं, मेरे को गुंजाइश नहीं है, मेहरबानी उसके तो मेरे बच्चे ठीक हो गए। ताहम हुकूमत इसके बच्चों का इलाज करवाने में उसकी मदद करके पाकिस्तान को रियासत मदीना की अमली शक्ल दे सकती है।